नमस्कार दोस्तों, मैं बनाने वाली हूँ डोसा। तो मैंने जैसे बताया था, जो इडली का घोल मैंने बताया था ना, तो उसी घोल से हम आज डोसा बनाएंगे। तो इसमें हमें चाहिए, जैसे दो चम्मच हम इसमें, छोटा चम्मच हम इसमें शक्कर देंगे, और जैसे टेबल स्पून से देना है तो एक टेबल स्पून देंगे, और ये है चाय का चम्मच, तो मैंने दो चम्मच दिया। और इसमें हाफ कप सूजी है, इस सूजी को मैंने डाला, और आधा ग्लास पानी, इसे हम डाल करके मिक्स करके रख देंगे। ये आधा ग्लास इसमें मैंने पानी डाला है, ऐसे 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे रख देंगे। तब तक हम इसकी सब्जी बना लेते हैं। आलू लिया है इतना सर, 12 आलू लिया है मैंने, और 8 से 10 लहसुन की कलियां लिया है। ये फ्रोज़न मटर है, 2 प्याज मैंने मीडियम साइज़ का लिया है, और ये हरी मिर्च काटा, और ये मीठा नीम पत्ता, और ये है बारीक हींग, और ये है बारीक सरसों। अब इसमें हम गोडा मसाला भी डालेंगे। तो सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे। देखिए मैंने 2 से 3 चम्मच ऑयल दिया है, ज़्यादा ऑयल नहीं देना है। सबसे पहले हम इसमें सरसों डालेंगे, बारीक सरसों, हींग डालेंगे, मीठा नीम पत्ता, अरे लहसुन का रस है, इसको पहले डाल देंगे, हरी मिर्ची, पहले हम फ्राई कर देंगे। अब इसमें हम प्याज देंगे, अब हम फ्लेम को हाई कर दिए हैं, और हल्का नमक दे देंगे ताकि ये जो प्याज है ये सॉफ्ट हो जाए। स्वाद अनुसार नमक देंगे, इसे हम हल्का पहले फ्राई कर लेते हैं। अब इसमें मटर डालेंगे, फ्रोज़न मटर। आप मटर की जगह मूंगफली भी यूज़ कर सकते हैं, पर मूंगफली को आप ड्राई पहले रोस्ट कर लीजिएगा, उसके बाद जब आप बनाते रहेंगे ना डोसा, तब उस समय मसाले के साथ मिक्स करेंगे तो क्रंचीनेस बहुत अच्छा लगता है मसाले के साथ मूंगफली का। प्याज भी हमारा सॉफ्ट हो गया है, और इसमें हम हल्दी डालेंगे, ये जो गोडा मसाला है ये मैंने आधा चम्मच लिया है, अब ये आधा चम्मच हम गोडा मसाला डालेंगे। अब हम गैस का जो फ्लेम है उसे सिम कर देते हैं, तब तक हम आलू को मैश कर लेते हैं। ये बॉयल्ड आलू है, ये देखिए आलू पूरी तरह से पूरा मैश हो चुका है। अब इसे हम मिक्स करेंगे, इसमें प्याज को हम हल्का ब्राउन होने तक ही फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे आलू को भी, जिससे अच्छे से पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा मसाला। अगर हम डोसे को मीडियम आंच में बनाएंगे थोड़ा सा ज़्यादा देर तक,
तो उसमें वो क्रिस्पी हो जाता है एकदम मार्केट जैसे, और हमको जैसे जल्दी जल्दी सर्व करना है तो उसमें हमें हल्का ब्राउन होने तक हम पकाएंगे उसमें, तो वो सॉफ़्ट रहता है। और क्रिस्पी खाना है दोस्तों तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसे टाइम देना पड़ेगा, तब वो एकदम क्रिस्पी हो जाता है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देखिए मैं किस तरह से तैयार कर रही हूँ। और जब डोसे के बैटर में आप चीनी को मिक्स करते ना दोस्तों, तो उसे कुछ देर के लिए जैसे 1-2 घंटे पहले भी अगर मिक्स करके रख देंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है। और बनाने के पहले आप अगर सूजी को मिक्स करते हैं तो उसमें और ज़्यादा क्रिस्पीनेस आता है। ये देखिए मैं दूसरा डिज़ाइन भी अब बना के बता रही हूँ ट्रायंगल में। तो लीजिए अब डोसा तैयार है चटनी और सांभर के साथ। बाय बाय।